हेलो फ्रेंड्स, साई किचन में मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि कद्दू की बनी हुई है। ये एक बहुत अच्छी डिश है, स्वीट डिश है, सबको बहुत पसंद आएगी और व्रत में ये ज़रूर खाई जाती है। तो व्रत में अगर हमें कभी स्वीट डिश खाने का मन हो और वो भी कद्दू हो और उसको अगर हम खाएं तो कहने क्या। ये डिश बहुत इजी है बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आई होप आपको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं किचन की ओर, आपके साइड किचन की ओर, और आपको लेके चलते हैं अपनी इस डिश की तरफ, बनाना सीखते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप कद्दू उबाल करके मैश किया हुआ, शुगर 1/2 कप और घी। घी हमें चाहिए 1/2 कप ताकि हमारा जो कद्दू का हलवा है वो काफ़ी अच्छे से भून सके। अगर आपके पास शुगर नहीं है तो इसमें आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हम घी लेंगे। देसी घी में हमारा जो हमने उबाल के मैश किया हुआ था कद्दू वो डाल देंगे। अब हमें इसे भूनना है सुनहरा होने तक। थोड़ा ये हलवा हम फलाहार में भी खा सकते हैं, व्रत का के लिए भी होता है। काफ़ी इसमें प्रोटीन होता है और सबसे बड़ी बात, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हलवा है, थोड़ा यूनिक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीन से चार मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। इसको हमें शुगर की ही चाशनी में पकाना है और अच्छे से भून लेना है। जब तक ये आपस में बंध नहीं जाता और इसमें से इसका जो टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन सा नहीं हो जाता, चीनी पानी छोड़ती है जिसकी वजह से ये अपने आप इसमें घुलता जाएगा। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो काफी अलग हो गया है, थोड़ा सा रेडिश सा हो गया है ये। ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं इसमें। ये हमने अपने अलग एक बाउल में निकाल लिया है हमारा हलवा। ये देखिए ये काफी टेस्टी बना है
इसकी अब हम प्लेटिंग करेंगे। इसको बादाम के साथ गार्निश करेंगे। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है।